नौकरी देने की बंद प्रक्रिया को पुनः शुरू करने की मांग को लेकर किसानों का अनशन जारी है। किसानों ने मांग की है कि या तो नौकरी दी जाए या उनकी कृषि भूमि लौटाई जाए। किसानों ने आंदोलन स्थल पर भारतीय किसान यूनियन मध्य प्रदेश के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति के सदस्य किसान सुब्रत ने पहुंचकर समर्थन किया। किसानों ने आरोप लगाया कि किसानों के आंदोलन में आज तक संसद विधायक नहीं पहुंचे और कोई उनकी सुध नहीं ली। आपको बता दें कि ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन से प्रभावित रीवा सीधी सिंगरौली सतना पटना के प्रभावित किसान पश्चिम मध्य रेलवे के वादा खिलाफी के खिलाफ गोविंदगढ़ स्थित रेलवे स्टेशन के पास कड़कड़ाती ठंड में विगत कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण अनशन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, चल रहे निर्माण कार्य को भी बंद करा दिया है। आपको बता दें कि छतरपुर देवेंद्र पन्ना देवेंद्र नगर सतना रीवा पड़ोकर रामपुर नैकिन चुरहट सीधी बहरी सिंगरौली से भी पीड़ित अनशन में पहुँच कर शामिल हो रहे हैं। माता की जय, भारत माता की जय, रोजगार नहीं तो रोजगार नहीं तो रोजगार नहीं तो रेलवे बोर्ड हाउस में आओ, रेलवे बोर्ड हाउस में आओ। हम अपना अधिकार मांगते हैं, हम अपना अधिकार मांगते हैं। रेलवे बोर्ड हाउस में आओ, निजी संसद हाउस में आओ, निजी संसद हाउस में आओ, जीवन संसद हाउस में आओ, हाउस में आओ, हाउस में आओ। ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन से विस्थापित किसान परिवार के बच्चे लगातार 15 जनवरी से अनशनरत हैं। आइए हम बात सुनाते हैं कि रेलवे ने आखिर क्या वादा खिलाफी की है। आप कहां से आए हैं? हम रामपुर नैकिन सीधी। आपका शुभ नाम क्या है? रहीश कुमार पांडे। कैसे क्या है स्थिति? ये है कि भू अधिग्रहण कर लिया गया है लेकिन अभी तक नौकरी नहीं दी गई। आप कहां से आए हैं? आपका शुभ नाम? जी मारवास। क्या है परेशानी? परेशानी है कि जमीन ले लिए नौकरी नहीं दे रहे हैं। क्या करेंगे आगे? आगे करेंगे, जब तक रेलवे न देंगे तो अनशन बैठेंगे, रेल में मरेंगे। आप कहां से आए हैं? आपको शुभ नाम? मेरा नाम प्रवीण पांडे, मैं पन्ना जिला देवेंद्र नगर से आया हूं। यदि रेल में हमारी जमीन भू अधिग्रहण हो गई है, यदि रेलवे नौकरी नहीं देते, अपने वादा खिलाफी करता है, तो आप अपनी जमीन ले लीजिए, आप अपना मुआवजा ले लीजिए, हम अपनी जमीन हमें दे दीजिए। आपका शुभ नाम? देवेंद्र मिश्रा। क्या कहाँ से आए हैं आप? हम जीतव हैं। तो क्या है आपका कहना? हमारा कहना यह है कि रेलवे ने जो वादा खिलाफी किया है उसके ऊपर मुकदमा सबसे पहले लगना चाहिए। आप कहाँ से आए हैं? मैं चुरहट से आई हूँ, मेरा नाम दिव्या सिंह है। और रेलवे ने हमें नौकरी देने के लिए कहा था और मुआवजा तो मिला है हमें, लेकिन नौकरी अभी तक नहीं दी है। आगे क्या होगा अगर मान लीजिए नौकरी नहीं देती? आप नौकरी नहीं देंगे तो हम यहीं पे आत्महत्या कर लेंगे। आप ये बताइए अपने जनप्रतिनिधियों से क्या कहना चाहती हैं, जो सांसद और विधायक हैं आपके क्षेत्र के? हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि अगर वो हमें नौकरी नहीं दिलाते हैं तो हमारा वोट भी उन्हें नहीं जाएगा। आप कहाँ से आई बहन? मैं सीधी जिला के चुरहट क्षेत्र से हूँ, टिकट कला से। मेरा नाम आरती सिंह है। मेरा ये है कि मेरी जमीन ले ली गई है और नौकरी नहीं दी गई है, तो आगे मैं ये चाहती हूँ कि अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो मैं अपनी जमीन नहीं दूंगी, वापस लूंगी। आप बताइए कहाँ से हैं? बांसा से। क्या परेशानी है? ये रेलवे ने जो वादा खिलाफी की है उसके खिलाफ हम लोगों ने एक संघर्ष समिति बना के और यहाँ आंदोलन शुरू किया है, नौकरी नहीं तो रेल। आपका शुभ नाम? हमारा नाम सौरभ पांडे है, हम सीधी जिला से हैं। रेलवे के वादा खिलाफी के कारण हम लोग यहाँ पेंशन में बैठे हुए हैं। हमारा एक ही कहना है कि जब तक अगर रेलवे हमको रोजगार नहीं देगा भी तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बैठे और उग्र होंगे, और यहाँ तक कि हम रेलवे का पूरा बहिष्कार करते हैं। हमको रेल नहीं चाहिए, अगर लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, हमको रोजगार नहीं मिलेगा तो हम इस रेलवे का बहिष्कार करते हैं, हमको रेल नहीं चाहिए। आप ये बताइए कि जो ये ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन है, छतरपुर से लेकर सिंगरौली तक है, वहाँ कभी कोई 20-22 विधायक हैं, 4 सांसद हैं, 2 राज्यसभा सांसद हैं, उन लोगों लगातार किसानों की उपेक्षा कर रहे हैं जैसा सुनने में आ रहा है। अगर वो साथ देते तो रोजगार मिल ही जाता। तो आप लोग क्या रीवा से माने सिंगरौली से लेके छतरपुर तक अपना एक तगड़ा संगठन बन के इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे? बिल्कुल देंगे। और ये लगातार हमारे किसान 2000 माने अभी 15 तारीख से अनशनरत हैं, और हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय केंद्रीय रेल मंत्री जी, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी से और अपने रीवा से लेके आप सोच सकते हैं ललितपुर सिंगरौली खजुराहो से लेके सिंगरौली तक के सभी जनप्रतिनिधि जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो वर्तमान हैं, जो भूतपूर्व हैं, सबसे मांग करते हैं कि किसानों के साथ खड़े हो जाइए, नहीं तो किसान आपको सत्ता से बाहर कर देंगे। आप सोच सकते हैं पटरियां बन गई, मिट्टी डल गई, गिट्टी डल गई,
रेल चलाने की बात होने लगी, लेकिन किसानों के बच्चों को रोजगार नहीं दिया, ये किसानों के बच्चों के साथ अन्याय है। रेलवे ने वेबसाइट में अपलोड किया इतने बच्चों को रोजगार दिया जाएगा, आधे को दिया आधे को नहीं दिया। रेलवे के ऊपर 400 BC का प्रकरण दर्ज किया जाए पश्चिम मध्य रेलवे की वेबसाइट को देख के। किसानों को जब तक नौकरी नहीं मिलेगी रेल नहीं जाएगी।